Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो जान लें फिजिक्स किसे कहते हैं। जैसे साइंस पहले आता है विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं, किसी के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान में हम लोग तीन पार्ट पढ़ते हैं, पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। उसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स कहते हैं जैसे किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी पदार्थ या द्रव्य के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान इसको। अब चलिए हम लोग क्लास 10th के पहले पार्ट है प्रकाश, प्रकाश के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं, चलिए ठीक है। पहला ये जान लीजिए प्रकाश किसे कहते हैं। जैसे प्रकाश क्या होता है, जब किसी वस्तु, प्रकाश एक ऐसा स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो टुहियाते रह जाएंगे, इधर उधर देखते रह जाएंगे कि कहाँ दिखेगा कहाँ नहीं। जैसे रात में अगर प्रकाश नहीं रहता तो ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं, ढूंढ नहीं पाते कहाँ है। इसीलिए बोले प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण देता है। प्रकाश के द्वारा से आप लोग जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी आता है कि प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे हम लोग जीव जंतु भी बनते रहते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स का पहला हेडिंग है प्रकाश, पार्ट का भी प्रकाश डाल दीजिएगा या लाइट। प्रकाश लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश सभी बताए हैं यह एक ऐसा माध्यम है या यह एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने में सहायता करता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसे ही प्रकाश कहते हैं या लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब देखिए इसमें जैसे हम लोग प्रकाश का तो पढ़ लिए, प्रकाश का स्रोत भी होता है। प्रकाश स्रोत हेडिंग डाल लेंगे, प्रकाश स्रोत। प्रकाश का स्रोत देखिए क्या क्या होते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे हम लोग नाम सुनेंगे प्रकाश स्रोत का या लाइट ऑफ सोर्स ये भी लिख सकते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश जिससे हमको मिलता है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत मतलब जिसके माध्यम से हमको प्रकाश मिलता है उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं या प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लिख देंगे, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा लिख लेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। चलिए ठीक है, प्रकाश स्रोत कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दोनों में दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला आता है दीप्त प्रकाश स्रोत, ये पहला का भी स्टडी डिफिनेशन जानेंगे। दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिसके द्वारा हमें प्रकाश स्वतः या ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करते हैं। जैसे मतलब इसका लिख देंगे कि ऐसे वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे ही दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरा आ जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करके बल्कि दूसरों से प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं उसी को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जो स्वतः प्रकाशित होते हैं उसे
तो इसे चलिए ठीक है, इसको नीचे लिख लेंगे, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे इसके बारे में जान लेंगे, जैसे क्या क्या होता है, जैसे भी देख लीजिए, जैसे कि क्या होता है, सूर्य पहला, सूर्य दूसरा, तारे, रेडियम इत्यादि, ऐसे रेडियम थोरियम इत्यादि वर्ड हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं सूर्य किसी को वस्तु या किसी से प्रकाश लेकर नहीं चमकता, वो उसमें स्वतः का प्रकाश उत्पन्न होता है, वह उसी को कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब दूसरा आएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसका आप नीचे डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे। दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करे, प्रकाश उत्पन्न न करे उसे या दूसरों से प्रकाश लेकर प्रकाशित हो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसके बारे में जैसे हम लोग देख लेंगे, जैसे में क्या क्या आते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत में, ये भी जैसे में देख लीजिएगा। जैसे में क्या कहते हैं, चंद्रमा देखते हैं सूर्य के प्रकाश से चमकता है इसे, तो हम लोग लिख देंगे चंद्रमा। आप लोग शीशा भी देखे होंगे, शीशा, या कभी कभी देखते होंगे कि किताबें भी चमकती है, किताबें लिख सकते हैं, किताब, कुर्सी, मेज इत्यादि, जिसे मतलब प्रकाश रिफ्लेक्ट करके आके चमक जाए, तो इसमें लिख देंगे इत्यादि। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करे लेकिन दूसरों से प्रकाश लेकर प्रकाशित हो, उसी को हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, किताब, मेज, कुर्सी इत्यादि, या लालटेन ले सकते हैं या बल्ब ले सकते हैं, ये भी सब दूसरे से प्रकाश लेकर उसके बाद प्रकाशित होते हैं। चलिए अब अगला देखेंगे कि अप्रकाश कितने माध्यम में होते हैं, प्रकाश कितने माध्यम में गुजरती हैं। प्रकाश का तीन माध्यम होता है, पारदर्शक होता है, पारभाषक होता है और अपारदर्शक। लिख देंगे प्रकाशिक माध्यम मतलब कितने माध्यम से प्रकाश होकर गुजरती हैं, तो लिख देंगे ये इनके तीन माध्यम से गुजरती हैं। जैसे तीनों माध्यम किसे कहते हैं, अभी पहला पारदर्शक, तीनों के बारे में अभी आगे जस्ट अभी डिफिनेशन बताएं, पारदर्शक माध्यम। दूसरा आ जाएगा पारभाषक माध्यम। तीसरा अपारदर्शक माध्यम। ये तीनों हम लोग जान चुके हैं, तीनों हम लोग देख चुके हैं, पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। तीनों के बारे में बता दे रहे हैं किसे कहते हैं, जिसे पारदर्शक मतलब आर पार दिखाई देना, जिससे प्रकाश किरणें आर पार गुजर जाए उसी को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आप लोग कांच में देखते हैं, जो गाड़ी का कांच जो लगा होता है उसमें आर पार हो जाता है, ये हो जाएगा वायु में भी हो जाता है, ये हो जाएंगे पार या इत्यादि, इससे जिसे प्रकाश आर पार निकल जाए तो उसमें पानी भी आ जाएगा, तो उसे भी लिख सकते हैं पारदर्शक माध्यम उसे कह देंगे। दूसरा आता है पारभाषक माध्यम, पारभाषक मतलब क्या होता है, आधा किरणें जाएँ और आधा न जाएँ, उसी को कहते हैं पारभाषक माध्यम। जैसे क्या होता है, पर्दा
पर्दा से होता है वाइट पर्दा होता है जिसमें आधा किरणें जाती है आधा किरणें रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, इसमें हो जाएगा। दूसरा जैसे तेल में डुबोया हुआ कागज़ या मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबोया हुआ कागज़, जब मिट्टी के तेल या केरोसिन में हम कागज डुबोते हैं तो उस पर टॉर्च मारते हैं तो आधा प्रकाश किरणें जाती हैं और आधा रिफ्लेक्ट करके लौट आती हैं इत्यादि, इस टाइप का भी होगा। तीसरा हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट ही ना हो, जैसे दीवार में कितना भी टॉर्च मारिए नहीं आर पार जाएगा, हमारा शरीर है यहाँ पर टॉर्च मारिए आर पार नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर मारिए तो कुछ तो प्रकाश किरणें दिखाई देती हैं। यहाँ पर मारिए दीवार हुआ और क्या लेंगे कांच नहीं ले सकते हैं शीशा पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है वहाँ से, शीशा जिसमें हम लोग आईना मुँह देखते हैं मिरर उसको कहते हैं, उसमें ले लेंगे तो उसमें भी इत्यादि जिससे प्रकाश किरणें बाहर न जाएं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस कर दिए, ये आप लोग शायद लिख चुके होंगे या इसके बारे में लिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आगे आएंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन में, चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने अपारदर्शी समतल तल पर पड़ता है तो समतल तल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप इसका फिगर देख सकते हैं, जैसे मतलब क्या होता है कोई एक चिकना तल ले लेंगे जो अपारदर्शी, मतलब इसके नीचे पेंट लगाओ रेड ऑक्साइड या कोई एक अपारदर्शी तल हो तो इस पे जब प्रकाश किरणें पड़ता है तो ये टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बीच में एक लग बनता है अभिलंब, इसका नाम लिखते हैं कि इसे हम लोग कहते हैं कि अपवर्तित किरण या आपतित किरण ये हो जाता है प्रावर्तित किरण। बीच वाला होता है अभिलंब। एक चीज जान जाइएगा, इसमें आपतित किरण आने वाली किरण हो जाएगी, ये कोई हो जाएगा चिकना अपारदर्शी तल हो जाएगा। जैसे कि जब कोई प्रकाश किरण या कांच ले सकते हैं या शीशा ले सकते हैं जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं उस पर जब प्रकाश डालेंगे तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें इसके दो नियम होते हैं जिसके लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके नियम लिख देंगे। अब इसके दो नियम होते हैं, इसमें फिगर में कुछ और बताते हैं उसके बाद बता दे रहे हैं। तो इसमें जब आती है किरण तो यहाँ पे एक कोण बनता है, इस कोण को आई नाम देते हैं या इसको कहते हैं, अभी बताएंगे इसको आगे, इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये इसे हम लोग आर लेते हैं परावर्तन परावर्तन कोण
इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब इसके दो नियम पे आएंगे, लिख देंगे इसके नियम, तो इसके लिख देंगे इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम हैं। दोनों नियम जानना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहला नियम क्या होता है, अब ध्यान से इसको पहले पहला और दूसरा नियम बता दे रहे हैं, उसके बाद लिखवा देंगे हम। पहला नियम क्या होता है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर मिलता है, ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। एक चीज़ जान जाइएगा, ऐसे नहीं याद होगा, ये दोनों आपस में बराबर पे हैं, मतलब एक भी बराबर पे है, वो एक ही साइड पे है, एक ही बराबर पे है, तो हमेशा बराबर हो जाएंगे, यही इनके दो नियम हैं। अभी आएंगे ऊपर जब नीचे आता है, ये इसका अगर प्रकाश का अपवर्तन ऊपर नीचे आएगा तो ऊपर नीचे उसे बनाएंगे। पहला नियम क्या होता है, देखिए इसमें कि आपतित किरण, लिख देंगे आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किरण और अभिलंब, और अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, तीनों एक ही तल में होता है, में होता है। दूसरा हो जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, लिख देंगे आपतन, आपतन कोण एंगल आई और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण एंगल आर आपस में, आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे इसका गणितीय रूप लिख देंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये इसका गणितीय रूप होता है। ये परावर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब आगे इसके देखेंगे, जैसे कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, अब इसका प्रकाश का अपवर्तन, या इसमें कुछ और भी इसके पार्ट होते हैं। अब आगे आएंगे परावर्तन के प्रकार पे, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, जैसे एक नियमित परावर्तन होते हैं, दूसरा अनियमित परावर्तन होते हैं। जब प्रकाश, लिख देंगे इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं, नियम या इसके दो प्रकार होते हैं, सॉरी लिख देंगे इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। आप दोनों का नाम लिख दे रहे हैं या नाम बता दे रहे हैं, पहला होता है नियमित परावर्तन, पहला नियमित, नियमित, नियमित और दूसरा होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित के बारे में अभी आगे जस्ट बताएंगे, पहले नियमित के बारे में हम लोग जान लें। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश, प्रकाश किरणें किसी चिकने, किसी चिकने तल पर, तल पर पड़ता है तो वह एक दूसरे के, जब प्रकाश किरण किसी चिकने समतल तल पर, चिकने समतल तल पर पड़ता है तो वह एक दूसरे के समानांतर, समांतर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे इसका फिगर हम लोग देख चुके हैं, देख सकते हैं आराम से इसका फिगर क्या हो जाएगा, या निकलते हैं या निकल जाते हैं, ये दोनों कह सकते हैं। जैसे एक प्रकाश किरण यहाँ पर आया, दूसरा इसके समानांतर आया, तीसरा इसके समानांतर आया, ये एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, ये आपस में समानांतर किरणें हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो जाएगा जब प्रकाश किरण किसी चिकने और अपारदर्शी और समतल तल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में और समानांतर होकर निकल जाता है। देखिए ये इसके बीच की दूरी समानांतर होगी और यहाँ पर भी इसके बीच की दूरी आराम से समानांतर होंगी। इस किरणों को कह देंगे हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण,
इन पूरे किरणों को, इस किरणों को पाते हम लोग परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसे हम लोग कह देंगे चिकना अपारदर्शी और पारदर्शी अपारदर्शी तल। बस दूसरा नियम क्या होता है इसका, दूसरा नियम आप जानेंगे आगे कि नियमित परावर्तन तो पहला नियम है, दूसरा नियम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अब इसको हम लोग डिफिनेशन क्या देखेंगे, जब प्रकाश किरणे, जब प्रकाश किरणे किरणें किसी खदबिदार या ऊबड़ खाबड़, किसी ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ तल पर पड़ता है, तो तल पर पड़ता है तो वह इधर उधर फैल जाता है तो इस परावर्तन को ही अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसका जैसे कि हम लोग फिगर देख सकते हैं कि इसका फिगर क्या होता है, जब प्रकाश किरणें जैसे ऐसे खदबिदार समतल हो, खदबिदार हो, जैसे ऊबड़ खाबड़ कैसे भी कर सकते बना सकते हैं, इसको नीचे पॉलिश कर दिया जाए, रेड ऑक्साइड लगा दी जाए, तब इसमें प्रकाश किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ये जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो यहाँ पर जाएंगी तो एक इधर जाएगी, ये आपतित किरण हो जाएगी, आपतित किरण, और ये हो जाएगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। दूसरी किरण जब आएगी प्रकाश किरण यहाँ से, तब यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ से आएगी, ये भी आपतित किरण हो जाएगी और ये परावर्तित किरण हो जाएगी, फिर एक यहाँ पर आएगी तो एक इधर जाएगी, तो ये एक दूसरे के इधर उधर फैल जाते हैं, तो इसी नियम को कहते हैं अनियमित परावर्तन। अब अगला हम लोग देखेंगे कि अगले वीडियो में, कि हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे नेक्स्ट दर्पण के बारे में अगला वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द अपर बेल आइकन। धन्यवाद।